नमस्कार, प्रणाम। मैं रामानंद आज आप लोगों के बीच फिर से एक बार लाइव आ चुका हूं। आज हम लोग किसी का विरोध करने के लिए लाइव नहीं आए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक होगा पंचायत के विकास। जी हां, हम लोग अभी माली पकड़बिंडा पंचायत में निवास करते हैं और माली पकड़बिंडा में जिन जिन मौखिक या मूलभूत समस्या है उन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माली पकड़बिंडा पंचायत के लगभग सभी वार्ड में पानी निकासी सबसे प्रमुख समस्या है और इस निकासी के लिए सबसे प्रमुख चीज ये है कि सभी वार्ड में नाले की जरूरत है। हमारे पंचायत की सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है पानी निकासी की समस्या और इसके लिए हर वार्ड में नाली का होना अति आवश्यक है। दूसरी हमारी प्रमुख समस्या यह है कि माली पकड़बिंडा पंचायत के किसी भी पोल पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे आने जाने में अंधेरों का सामना करना पड़ता है, जो एक विकास की मुख्यतः पोल को खोल रहा है। तो दूसरी हमारी ये सबसे प्रमुख समस्या होनी चाहिए या है, वो है स्ट्रीट लाइट। तीसरी हमारी जो समस्या है वो समस्या है कि जिन लोगों को वृद्धा पेंशन या जिन लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये भी हमारी एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या के तौर पर देखा जाए। चौथी हमारी जो समस्या है, पंचायत की समस्या है, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं या जो भी प्रतिनिधि जीत कर आते हैं उन्हें सबसे पहले युवाओं को बीच रहना होगा, हर महीने में एक आम सभा लगाकर लोगों की अपील को सुनना होगा, तभी जाके ग्राम पंचायत का विकास संभव है। ये हमारी ये जो समस्या हमने बताया है ये हम लोगों की मूलभूत समस्या है। इस समस्या को खत्म करना जीते हुए जनप्रतिनिधि का काम है। तो आने वाले पंचायत चुनाव में जो भी प्रतिनिधि उभर कर आएंगे, आशा और विश्वास है हमें कि वे लोग इन समस्याओं को जरूर देखेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको माली पकड़